हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आप लोग फिर से लगा चुका है एक और फार्मिंग सेमोनी 20 का एक नया ब्रांडी और न्यू एपिसोड अपने पास। आज फिर से है दो कम्बाइंस सामने का केस, ये और ये है मेसी 4 विजन की। और आज हम लोग जो हम लोगों ने वीडियो मतलब इस एक वीडियो की पहले जो हम लोगों ने वीडियो डाली थी उसमें देखा ही हुआ कि हम लोगों ने खेत में बुआई किया था, जहाँ पे अभी धान पक चुके हैं। यहाँ पे 11 नंबर के खेत में आप लोग देख सकते हो। और अभी हम लोगों को यहाँ पे दोनों कम्बाइंस को लेके जाना है और वहाँ पे कटाई को स्टार्ट करना है। फिर हम लोग मेसी 4 विजन की कम्बाइन को लेके चलते हैं। यहाँ से मैंने घुमाई और सीधा लेके चलते हैं, जल्दी से लीजिए अपने खेत पर। ये हम लोग अपने फार्म पर पहुँच के आप लोग देख सकते हो समझ को। और इस कम्बाइन का हम लोग यहीं से कटाई के लिए डालते हैं, यहाँ से हमारे इसको ट्रेस कर लेते हैं पेड़ को। और यहाँ से सीधा इस कोने से लगाते हैं अपने कम्बाइन को इस खेत की कटाई के लिए और रेस लेते हैं। हमने हेल्पर को बाय कर लिया है, और अब हम लोग जल्दी से दूसरी वाली कम्बाइन को भी लेकर आते हैं। हेलो गाइस, हम लोग यहाँ पे इस दूसरी वाली कम्बाइन को भी जल्दी से ले चलते हैं अपने फार्म पर। और वहाँ पे इस वाली कम्बाइन को भी कटिंग के लिए लगे थे। हम लोग रास्ते से जाते हैं, थोड़ा लगता है ज़्यादा टाइम लग गया, इसलिए हम लोग यहाँ से सीधे पहाड़ पर चढ़ जाइए और उस ओर उतर जाइए। मैं आप लोगों को शॉर्ट कट दिखा रहा हूँ। फिलहाल के लिए हम लोग इस खेत के अंदर से चले गए, क्योंकि इधर कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने अगली वीडियो में देखा है कि हम लोगों ने यहाँ से ओट को कटाई की थी और उस वाले खेत से वीट को काटा था। यहाँ से ऊपर चढ़ना है पहाड़ के। आप लोग बताने कि हम लोगों को यहाँ से जाने में ज़्यादा टाइम लगा या पहाड़ रास्ते से जाने में, मतलब पक्के रास्ते से जाने में ज़्यादा टाइम लगा। हम लोग कहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से जा रही है। ओके, ये ब्लेड कहाँ पे लटक रहा है आप लोग देख सकते हैं पीछे की ओर, कैसे कैसे ठुकता ठुकता हुआ आ रहा है इधर उधर। अपनी मशीन पर मुड़ जा रही है, लेकिन ब्लेड ही कैसे मुड़ रहा है। हम लोग आ चुके पहाड़ के एकदम ऊपर। मैं कल मैं आप लोग पूरे के पूरे पहाड़ की टूर के लिए भी लेके जाऊँगा। मुझे हम लोग यहाँ से सीधे चलते हुए अपने फार्म पर, यहाँ से आपको देख सकते हैं अपना फार्म कट रहा है। और गया बच गया इसलिए अपनी कमरे नीचे गिरे थे घर के ऊपर से। अपने कमरे का हम लोग यहीं से अंदर के घुसा लेते हैं। उसकी तो देखेंगे अचानक से, इसके लिए नुकसान देना
बची हुई अपनी कंबाइन में भी अच्छा खासा नुकसान हो जाता अपने को। और यहाँ से सीधा घुसाते हैं अपनी कंबाइन को अंदर अपने फार्म की ओर। ओके यहाँ से चाय से नहीं मिलेगी इसलिए सामने को निकालते हैं। ओके यहाँ से मोड़ते हैं इसको सीधा। इस वर ये कंबाइन ओट को काट रहे इसलिए इस कंबाइन को हम लोग उस जो सोयाबीन है उसको काटने के लिए लगा देते हैं। घुमाते हैं और ब्लेड के साथ अटैच करते हैं और काटना स्टार्ट कर देते हैं। ये अटैच कितनी हमारी ये अटैच हो चुकी है अपनी कंबाइन ब्लेड के साथ और यहाँ से अच्छे से लगाना पड़ेगा क्योंकि इधर ओट है और इधर सोयाबीन है। नहीं तो चोरी कर देगा दोनों मिक्स हो जाएगी साइड से पहले तो नहीं होगी कटेगी ही नहीं। ओके यहाँ से स्टार्ट हो चुके अपनी कंबाइन और यहाँ से सीधा आई थी और लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक हेल्पर को बाई कर लिया है ये अपने आप काम करेगा अच्छे से पूरे के पूरे खेत को काट लेगा आप लोग। अरे इसके तो सोयाबीन क्या हो रहा है आप लोग देख सकते हो पीछे को स्प्रे कितना अच्छे डिजाइन जैसा दिखाता जा रहा है क्या लग रहा है। लेकिन अगली बार हम लोग एक बड़े से जो आप लोगों को सामने को मतलब अपने घर के सामने है जहाँ पर हम लोग ट्रैक्टर सब कुछ बाई करते हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ा वाला खेत है उसको बाई करके उसके बाद वहाँ पे बहुत सारी कंबाइन से एक साथ ऐसे छोड़ देंगे फोन करके और वहाँ पे ऐसे मैं व्यू बनाने का सोच रहा हूँ। अगर आप लोगों को भी देखना है इसे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना है बहुत जल्दी सभी एक वीडियो बनाएगा। अभी आप लोग देख सकते अपने दोनों के दोनों कमाइन अच्छे से काम कर रही है कटाई हो रही है और यहाँ उसकी कटाई हो रही है। ये अभी इस कंबाइन में तीन लेने पूरी के लिए उस कंबाइन ने एक लेन पूरी की है। अभी आप लोग देख रहे हैं कंबाइन ने कैसे काम करती है और अब मैं आपको मिलता हूँ इन पूरे खेतों की कटाई होने के बाद क्योंकि मुझे लगता है कि इन दोनों कंबाइन की स्टोरेज नहीं खुलेगी क्योंकि आधा भी खेत है। अगर पूरे का पूरे खेत में और होती है पूरे का पूरे खेत में सही होता तो पूरे की पूरी कंबाइन फुल हो जाती है। बाद में आते हम लोग अपने ट्रैक्टर को लेकर आएंगे और इसमें यहाँ से ओट और सोयाबीन को लोड करके ले जाएगी। ये आप लोग देखते रहिए अपनी मशीनें कैसे काम करती है। अपना अपने घर क्योंकि
ये फिलहाल अपनी मेसी की कंबाइन में मतलब और कटाई ख़त्म कर दी है और अभी यहाँ पे सोयाबीन की कंबाइन भी कटाई को ख़त्म करने वाली है, इसलिए हम लोग सबसे पहले अपने नया वजन ट्रैक्टर को लेकर चलते हैं सीधा। पान पर वहाँ से फिर ओट को लोड करके अपना पान पर लेते हैं घर पर लेकर जाते हैं और उसके बाद सोयाबीन को भी अपने घर पर टोटल भी लाते लग देंगे। जब भी पढ़ाई भाई होगी तब ले हम लोग जाके सेल कर लेंगे। पहुँच चुके हैं अपने लिखे तो मेरे कम्बाइन के घर में चक्कर वगैरह का और यहाँ से रुक जाते ये आज मुझे ही मुझे स्टॉप कर रहा है यहाँ पर कर दिए। जब भी मुझे उसमें ब्रेक लगाते हुए लगता है ब्रेक से लगाते हुए जाना पड़ता है। अगली वीडियो में एक और नया ट्रक कम्बाइन करने वाला हूँ और इसको सेल कर देंगे क्योंकि ये थोड़ा बहुत स्लीपेज बहुत खा रहा है। इसको लोड हम देते हैं ये यहाँ पे लोड हो चुका है ओट और इस ट्रक मतलब इस ओट को लेकर चलते हैं अपने जल्दी से अपने हाउस पर और वहाँ पर स्टोरेज में डालते हैं और फिर से यहाँ पे ले जाते हैं इस सोयाबीन को ले जाने के लिए। ये हम लोग अपने हाउस पर आ चुके हैं और यहाँ पर स्टोरेज में ओट को डालते हैं फिर से जल्दी से लेकर चलते हैं अपने ट्रैक्टर को सोयाबीन को लेने के लिए। अब आपको मिलता है सीधा अपने पान को क्योंकि अब जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाने वाला है। अरे हम लोग सीधे मिले अपने मतलब खेत की exaggerated, that's what you assume.
story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, हम लोग फिलहाल अपने खेत के फिर से पहुंच चुके हैं और यहाँ पर यह खेत में कम होते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर सीधा घास में से ही घुसे ले रहे क्योंकि यहाँ पर अपने रास्ते पर कंबाइन खड़ी हुई है। इन कंबाइन को हम लोग बांधना के ले जाइए पहले चौबीस इसको टोबी लेकर चलते हैं अपने फार्म पर। ये भी काफ़ी काम था, इसके लिए लेकर चलते अपने सीधे फार्म पर। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। इन कंबाइन को ले जाएगी तो अपने को बहुत टाइम लग जाएंगे क्योंकि अपनी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद हुई तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। और अब मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Over the edge.